हेलो फ्रेंड्स, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, जिनके अनुसार बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 निर्देश मानने होंगे। पहली और दूसरी गाइडलाइंस जो कि यूजर्स की गई कंप्लेंट्स के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट करने और उन कंप्लेंट्स पर लिए गए एक्शन की रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंपने से जुड़ी है। वहीं तीसरे निर्देश के अनुसार जो कि मैसेज की ट्रेसिबिलिटी पर आधारित है, उस पर दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल सभी ने अपनी सहमति दी है, लेकिन व्हाट्सएप ने इसे अपने नियमों और संविधान के खिलाफ बताया है और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी की है। ट्रेसिबिलिटी का मतलब सरकार के पूछे जाने पर व्हाट्सएप को बताना होगा कि किसी भी मैसेज को सबसे पहले किसने भेजा, यानी कि मैसेज को किस किसने भेजा, किस किसने पढ़ा, फाइनली मैसेज के ओरिजिन को ट्रैक करने के लिए जरूरी तकनीकी बदलाव करने होंगे और अथॉरिटी की मांग पर जरूरी जानकारियां उपलब्ध करानी ही होंगी। फ्रेंड्स, हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देना हो या फिर कोई एंटी नेशनल गैदरिंग या फिर किसी भी प्रकार के भ्रम फैलाने वाले मैसेजेस ऐसे ही बड़े प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अंजाम दिए जाते हैं, जिनको ट्रेस कर पाना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। गाइज, भारत सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। Stay safe, stay motivated.